हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं क्या लेकर के आई हूँ आप सभी के पास। ये है बटर चिकन की रेसिपी, जो कि सभी लोग पसंद करते हैं। ख़ास तौर से इसे जब रेस्टोरेंट में जाया जाता है तब ऑर्डर ज़रूर किया जाता है। सभी लोगों की फेवरेट रेसिपी है, तो जो लोग घर में नहीं बना सकते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैं लेकर के आई हूँ बटर चिकन की रेसिपी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चटोरी मोना के किचन में। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। तो हमें लेना है एक बाउल जिसमें हमें सारा मैरिनेशन रेडी करना है। तो इसमें बारी बारी सामग्री डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, ल्यूक वार्म होगा वो। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून। तो अब बारी है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने की, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून नींबू का रस। तो अब डालेंगे इसमें लटका हुआ दही या फिर हंग कर्ड, जो कि थक्का दही होता है, उसे आप डाल दीजिएगा इसमें, जो कि मैंने 1 कप के करीब मैंने हंग कर्ड लिया है। और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएँ। तो अब बारी है इसमें चिकन के पीसेस डालने की। आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे विथ बोन यूज़ किया है। तो मैंने सारे मैरिनेट कर लिए हैं चिकन पीसेस को अच्छे तरीके से, ये भिन जाए। इसके लिए आप इस मैरिनेट किए हुए चिकन को 6 घंटे के लिए रख सकते हैं, और यदि आपको जल्दी है तो आप 1 आवर के लिए इसको फुल मैरिनेशन के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जिससे कि ये पानी नहीं छोड़ेगा जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये हो गया एक पार्ट। अब बारी है दूसरे पार्ट की। तो मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें पानी डाल दिया है, और 4 रफली चॉप्ड टमाटर जो कि बड़े साइज के थे मैंने उसे भी ऐड कर दिया है इस पैन के अंदर। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रफली चॉप्ड ऑनियन, जो कि 2 ऑनियन मैंने ले लिया है, वो भी बड़े साइज के ही थे। और फिर मैंने इसमें डालूंगी गरम मसाले, जो कि खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची और इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ा देर भूनूंगी, और फिर इसमें मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और फिर ग्रीन चिली चॉप्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और कुछ कैस्यू नट भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी रिच ग्रेवी की बनती है बटर चिकन की रेसिपी, तो इसमें कैस्यू नट ज़रूर डालें। और फिर मैं इसे ढक दूँगी 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर। तो मैंने 15 मिनट के बाद यहाँ देखा है तो हमारे जो टमाटर हैं सब सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। मैं अब गैस फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडे होने के लिए रख दूंगी, और ठंडे होने के बाद मैं इसका स्मूथ पेस्ट, फाइन पेस्ट रेडी कर लूंगी। यदि आपको पीसने के बाद लगे कि किसके कुछ पार्ट्स अभी खड़े हैं तो आप इसे अलग रख छान करके रख लीजिएगा, कि भाई आप बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन, तो जैसे बटर चिकन रेसिपी रेस्टोरेंट में बनती है वैसे ही बन के तैयार होगी फिर आपकी। तो थर्ड स्टेप है, मैंने एक फिर से वापस कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और फिर बटर डाल दिया है। तो जो बटर चिकन है तो बटर की मात्रा तो बहुत ज़्यादा रहेगी, तो जले ना बटर, इसी वजह से मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने जो मैरिनेट किए हुए पीसेस थे उसे बारी बारी करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, बटर चिकन की रेसिपी तो बहुत तरीके से बनती है, बट जो मैं तरीके बता रही हूँ वो रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो पूरे रेस्टोरेंट स्टाइल ही बटर चिकन पाएंगे रेसिपी। और फिर मैंने देखिए ये यहाँ पे जो स्टेप किया है ये ज़रूरी है स्टेप, इसे मिस मत कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं सारे पीसेस को इसमें डाल दूंगी। मैंने अभी आधे पीसेस डाले हैं, बाकी के बाद में भूनूंगी। तो मैं अब इसे ढक दूंगी ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए, क्योंकि इसे मैं ढक करके पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा अंदर से जो है वो गल जाए, सारे चिकन जो अच्छे से पक जाए। फिर इसे बीच बीच में आप ढक्कन खोल करके पलटते रहिए ताकि ऊपर नीचे हर तरीके से रोस्ट हो जाए आपके चिकन के पीसेस। तो सारे पीसेस को इसी तरीके से पलटते हुए आप इसे सेक लीजिए, जब तक देखिए कि इसके पूरे काले काले चकत्ते ना आ जाएं, तब तक आप इसे भूनते रहिए और गला दीजिए इस चिकन के पीसेस को। अब ये हमारे जो चिकन पीसेस हैं वो रेडी हो चुके हैं, तो मैं इसे कढ़ाई से निकाल लूँगी और फिर सेकेंड जो बैच है मैं उसे भी इस पीसेस को इसके अंदर डाल दूँगी। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है बारी बारी करके बचे हुए बाकी चिकन के पीसेस।
तो जैसे हमने पहले चिकन के पीसेस को फ्राई किए थे, बस उसी तरीके से आप इसे भी ढक करके अच्छे से पका लीजिए। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए आपके चिकन के पीसेस, तो आप इसे भी निकाल लीजिएगा। देखते रहिएगा कहीं कच्चा ना रहे चिकन, तो आप इसे कुक होने के लिए रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। तो लीजिए, हमारे जो सेकंड बैच के चिकन के पीसेस थे वो भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ पैन से। अब ये कढ़ाई को सफ़ा कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा तेल था आप उसे निकाल दीजिए। और फिर मैं इसमें फिर से ऐड करूँगी बटर, और फिर मैं इसमें बाकी के आगे के इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, जिसमें मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर और कसूरी मेथी ऐड किया है, वो डालना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ऐड कर दीजिए। और फिर जो हमने फाइन पेस्ट रेडी किए थे उसे भी ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने पहले भी सॉल्ट थोड़े डाले थे, तो इसलिए आप हल्के ही इसमें डालें सॉल्ट को। और फिर मैं कुक होने के लिए थोड़ा सा इसे रख दूंगी ढक करके, ताकि ये ऑयल छोड़ दे 10 मिनट के लिए। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है जो हमारे फ्राइड रोस्टेड चिकन पीसेस थे, तो फिर मैं उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ग्रेवी में अच्छे से कोटेड हो जाए, तो आप इसे थोड़ा ढक दीजिएगा ताकि ऊपर तेल आ जाए। 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से कुक होने के लिए रख दीजिएगा धीमी आंच पर। तो अब बारी है लेट हटा के देखने की। तो ये देखिए, हमारा जो बटर चिकन है बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। ये तंदूरी बटर चिकन रेसिपी है, और आप इसे ज़रूर बनाइएगा अपने घर पर। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम और बटर। मैंने यहाँ पे क्रीम और बटर डाल दिया है, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि भाई आप बना रहे हैं बटर चिकन की रेसिपी, तो इसमें बटर और क्रीम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो क्रीम से और बटर से ही आता है। हमारा बटर चिकन तो रेडी हो चुका है। तो अब आप एक काम और कर दीजिए, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट को भी फॉलो करना ना भूलिए, उसे भी ज़रूर जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा बटर चिकन तो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे गार्निश कर लेती हूँ फुल क्रीम के साथ। तो आप सभी देख सकते हैं, ये बटर चिकन की रेसिपी रेडी हो चुके हैं, जिसे आप तंदूरी नान या बटर नान या रोटी पराठा किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।